दोस्तों, रूस कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अगर आप माता महालक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं और अपने जीवन में देवी माँ की कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय माँ महालक्ष्मी लिखकर ही इस वीडियो की शुरुआत करें। हमारा उद्देश्य है कि सबका कल्याण हो। आप भी हमारे उद्देश्य में हमारा साथ दीजिए और इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करिए। दोस्तों, यदि आपके घर में धन की कमी है, घर में हर समय कलह क्लेश लगा रहता है, व्यापार सही प्रकार से नहीं चल रहा, आपकी नौकरी में दिक्कत आ रही है, घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, फिर आपकी कोई ऐसी कामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही, तो उसके लिए बस आपको एक छोटा सा उपाय करना है। बस एक लोटा जल और आपकी सारी समस्याओं का हल आपको मिल जाएगा। बस आपको चंद्रदेव को अर्घ्य देना है। अब वह कैसे क्या करना है, आइए जानते हैं। पहला उपाय है, यदि आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है, आपका व्यापार सही प्रकार से नहीं चल रहा, क्योंकि व्यापार सही चलेगा तो ही धन आएगा, नौकरी में किसी तरह की कोई दिक्कत है, परेशानी है और आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपको कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, तो आप ये उपाय अवश्य करें। ये आपकी धन से जुड़ी सारी समस्याओं को दूर कर देगा। तो आपको करना क्या है कि सावन के शुक्रवार के दिन आपको अपने घर से एक लोटा जल भर लेना है। ये उपाय आपको घर में ही करना है और उस लोटे के जल में एक रुपए का सिक्का डाल दें और उसके साथ डालें एक कमल गट्टा। गट्टा माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। और अब अंत में आपको उस जल में डालना है 7 दुर्वा। इस प्रकार आपका कलश तैयार हो जाता है। अब आपको इसी कलश को अपने घर के मंदिर में सुबह सुबह स्नान आदि कर रख देना है और एक मंदिर में घी का दीपक जला देना है और आपको अपनी जो पूजा अर्चना करनी है वह कर लेनी है। अब आपको शाम को जब चंद्रदेव निकल जाए और आपके घर में शाम की पूजा के बाद, यानी जब आप मंदिर में पूजा अर्चना कर ले, आरती करके दीपक जला दे, तो शाम की पूजा के बाद जब आपको चंद्रदेव दिखे 8 या 9 बजे तक आपको अपने घर की छत पर या उस स्थान पर खड़े हो जाना है जहाँ चंद्रदेव के सीधे दर्शन हो। अब उस लोटे के जल को, जिसे आपने सुबह से मंदिर में रखा था, उस जल को चंद्रदेव को उत्तर दिशा की तरफ जहाँ वो आपको दिखाई दे उन्हें अर्पित कर दे। अर्घ्य देते समय आपको चंद्रमौली महादेव का ध्यान करना है, उनका नाम लेना है। जब आप अर्घ्य दें तो आपके पैरों पर जल की छींटे नहीं आनी चाहिए। इसके लिए आप अर्घ्य देते समय उसके नीचे कोई पात्र या बाल्टी रख दें, वरना आप पाप के दोषी बन जाएंगे और आपका ये उपाय अधूरा रह जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों, जो भी व्यक्ति सावन के किसी भी शुक्रवार को यदि इस उपाय को कर लेता है, तो उसकी धन से जुड़ी सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं और धन आगमन के मार्ग खुल जाते हैं। दूसरा उपाय है, यदि आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, परेशानी है, तो आपको ये उपाय कर लेना है। आपको सबसे पहले लेने हैं 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। फिर आपको लेने हैं 5 साबुत हरी मूंग, 5 अखंडित चावल के दाने और अंत में लेना है 1 लोटा जल और इन सबको लेकर महादेव के मंदिर पहुंच जाना है। किसी भी समय सुबह जाना चाहते हो तो सुबह जाए, प्रदोष काल में जाना चाहे तो उस समय जाए, ये आप पर निर्भर करता है। तो जैसे ही आप शिवालय पहुंचोगे, सबसे पहले आपको बाहर नंदी बाबा के दर्शन मिल जाएंगे। तो उनके समक्ष जाकर जो आपके पास हरी मूंग है उसे नंदी बाबा के उठे हुए पैर के पास रख दें। जो भी आपके भीतर कामना है, इच्छा है, समस्या है, उसे बोल करके आपको इस 5 हरी मूंग को समर्पित कर देना है। उसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो महादेव के मंदिर की चौखट आ जाएगी। तो यहाँ पर अब आपको 5 अक्षत के दाने जो थे उन्हें रख देना है अपनी मनोकामना कहते हुए। अब अंत में आपके पास बचे 5 बेलपत्र और जल, तो वो आपको भगवान शिव के शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की तरफ खड़े होकर शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए कुदकेश्वर महादेव जी के नाम से उन्हें चढ़ा देना है। जब आप जल समर्पित करें तो जो आपके पास 5 बेलपत्र बचे हैं उसे अपने बाएं हाथ में ले लें और उसी के ऊपर अपना दूसरा हाथ भी रख दें।
फिर महादेव जी से जो भी आपके दुख कष्ट परेशानी है उसे बोल दें। फिर उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दें। जब आप बेलपत्र चढ़ाएं तो ध्यान रखें हरी डंडी जलाधारी की तरफ हो और पत्ती हो भगवान शिव की तरफ और चिकना हिस्सा होना चाहिए नीचे की तरफ। तो जो भी व्यक्ति स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर लेता है तो उसके जीवन से सभी प्रकार की चिंता दुख कष्ट पीड़ा सब दूर हो जाता है, जीवन भर के दुख दूर हो जाते हैं। तीसरे उपाय में दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में नकारात्मक शक्ति का वास हो जाता है जिसके प्रभाव के कारण घर में छोटी छोटी बातों पर कलह क्लेश होते हैं, सबके सोच विचार बदल जाते हैं, घर परिवार में परेशानी होती है, घर का उत्थान नहीं होता। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका घर में मन नहीं लग रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ये घर में किसी नकारात्मक ऊर्जा का वास है, तो आपको बस छोटा सा उपाय करना है। इसे करने से ये सारी नकारात्मक शक्ति दूर हो जाएगी। तो आपको करना क्या है कि अपने हाथ में एक लोटा जल लेना है और उस जल को लेकर अपने पूरे घर में छिड़क देना है, घूम जाना है, सिर्फ टॉयलेट बाथरूम को छोड़कर सब कमरे में घूमे। इसके बाद आपको इसी लोटे के जल में एक बेलपत्र डाल देना है और चले जाना है। यदि बेलपत्र नहीं मिल रहा तो आपको भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र में से उठाकर उसे धोकर फिर लोटे में डाल दें। फिर इस लोटे के पूरे जल को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए महादेव जी का नाम लेते हुए बेलपत्र भी वही जल के साथ गिरा दें, शिवलिंग से स्पर्श जरूर करवा दें। जल अर्पित करने के बाद भी जो जल जलधारी से गिरता है उसे आप किसी लोटे में एकत्रित कर लें और उस बेलपत्र को वापस उठाकर उस लोटे में रख कर घर आ जाएं और फिर उसी बेलपत्र द्वारा उस लोटे के जल को पूरे घर में छिड़क दें, बाथरूम और टॉयलेट को छोड़ करके। बस एक बार आप सावन के शुक्रवार के दिन इस उपाय को कर लें, आप देखेंगे कि आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी और सारे दुख कष्ट सब नष्ट हो जाएंगे। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार अवश्य देखें। जय मां महालक्ष्मी, हर हर महादेव।